क्लास ट्वेल्थ का जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज मैं आपको बताती हूँ जैसे पार्ट ए में जो है फर्स्ट है इंट्रोडक्शन तो इसमें दो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जैसे इकनॉमिक्स एंड इट्स टाइप्स एंड देन सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एन इकनॉमिक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है ये दो क्वेश्चनस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स लॉ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन इसके बाद आता है कंज्यूमर इक्लिबीलियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच फिर नेक्स्ट आता है इनडिफरेंस कर्व इन मैप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफ्रेंस कर्व नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आ गया बजट सैक बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्म थ्रू इन डिफरेंस कर्व एनालिज और ऑर्डिनल अप्रोच नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन फिर आता है आपका सिक्स क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइज इलेक्सटिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इसमें टू क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड सेकंड वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन फिफ्थ टॉपिक इज द थियोरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई इसमें तीन क्वेश्चन होंगे आपके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोड्यूसर इक्ूली कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मोस्टली आते हैं ये ठीक है नेक्स्ट आपका फिफ्थ आ गया फॉर्म्स ऑफ मार्केट इसमें ये इंपॉर्टेंट है एंड सिक्स वन में आपका मार्केट इक्वली मीडियम ये इसमें इम्पोर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट आप जो है सेकेंड uh, पार्ट में आपको पार्ट बी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी